हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज़, ये आज का ये ब्लॉग नहीं होने वाला, ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है। कंसेंट्रिस कंपनी का जो भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो ये सारी की सारी वीडियो बेसिकली एम कैट के ऊपर होने वाली है। कि देखो, एम कैट जो है ना, वो बेसिकली सिंपल सा इंग्लिश टेस्ट है, ठीक है। उसके अंदर आपकी स्पीकिंग एबिलिटी कि आप कैसा बोल सकते हो, और आपकी लिसनिंग एबिलिटी कि आप कैसा सुन सकते हो, कि आप जो इंग्लिश बोली जा रही है उसको आप सही तरीके से सुन भी सकते हो या नहीं, और एट द एंड आपकी राइटिंग स्किल्स कि आप कैसा लिख सकते हो, इसके ऊपर है। बिल्कुल ही बेसिक सा होता है। जिसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं कि आपको सबसे पहले में स्टार्टिंग में आपको पता चलेगा, वो आपको एक लाइन देगा बोलने की, लाइक आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस टेस्ट। तो आपको बस सिंपली उसको रिपीट करना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी प्रोनंसिएशन ठीक हो। अगर आपकी प्रोनंसिएशन ही गलत होगी तो मे बी आपके वो नंबर कट हो जाएगा। लेकिन और आपको जब ये एम कैट दोगे तो आपको एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आप जब आपका पूरा फेस क्लियर विजिबल होना चाहिए, और आप उस टाइम पे किसी से बात ना कर रहे हो, ठीक है, और आपका और आपके बैकग्राउंड में कोई भी नहीं होना चाहिए आपके अलावा, ठीक है। या ये बस बेसिक से वो कंसर्न है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि पहला होता है, आपको उसमें सेंटेंसेस दे देते हैं, एक एक करके देते हैं, सिंपली बहुत सिंपल होता है, उसको बस आपको रीड आउट करना होता है। फिर दूसरे में आपको एक कन्वर्सेशन सुनाई जाती है कि जैसे आई एम गोइंग टू पैरिस फॉर 2 वीक्स, जस्ट लाइक दैट। बस आपको क्या करना है, उसको सुनना है, समझना है। फिर आपसे इसी तरीके से उसके अंदर सवाल पूछेगा कि वेयर यू वॉन्ट टू, तो बता देना आई प्लान टू टूर पैरिस, जस्ट लाइक दैट, ओके। देन फिर आपके पास एक सेंटेंस आएगा, वो आपको रॉन्ग प्रोनंसिएट करेगा, मतलब गलत, वो गलत होगा सेंटेंस, आपको सही करना है। अब जैसे लाइक समबडी वेटिंग ऑन गेट, तो आपको इसको सही करना है कि समबडी वेटिंग एट द गेट, ठीक है। बस ये बिल्कुल सिंपल सा होता है। फिर आपके पास उसमें लास्ट उसमें एक आएगा कि आपको 35 सेकंड्स तक आपको कंटिन्यूसली बोलना होगा। उसके लिए आपको एक टॉपिक दे देंगे, वो लाइक मनी दे देंगे, मार्केट दे देंगे, कोई सा भी हो सकता है, वो बहुत सिंपल होता है। बस आपके दिमाग में ये ध्यान रखना है कि आप जब भी बोलो धड़ाधड़ बोलते रहना, चाहे भले ही गलत बोलो थोड़ा बहुत, या बस ये है कि बोलते रहना लगातार, ठीक है। और फिर एट द एंड आपका आ जाता है पैसेज राइटिंग, तो उसके अंदर आपको 5 पैसेजेस दिए जाएंगे, जिसके अंदर से आप कोई भी एक पैसेज कर लेना, आपका इनफ होगा। 200 वर्ड्स का लिखना है आपको। तो उसके अंदर मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो ज़्यादा, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप उसको अप्रॉक्स 30 मिनट्स दिए जाते हैं, वो बहुत इनफ है आपका। मैक्स टू मैक्स 20 मिनट के अंदर हो जाते हैं 200 वर्ड अगर आप सही तरीके से लिखोगे, और अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा ही अच्छी है तो आप आराम से 5-10 मिनट में कर लोगे, और करने के बाद आपका टेस्ट पूरा हो जाएगा। और अभी आपके ऊपर है कि आप उस टेस्ट देने के बाद अगर आप ऑफिस जाना चाहो तो ऑफिस जाके अपना आगे का फर्दर इंटरव्यू जल्दी कंप्लीट करा सकते हो, और अगर आप नहीं जा पाते बाई चांस किसी वजह से, तो आपको घर पर रह कर ही आपको 1-2 दिन के अंदर कॉल आ जाएगी। देन फिर वो आपका इंटरव्यू वगैरह लेंगे, फर्स्ट राउंड लेंगे, एचआर राउंड, अगर आप उसके अंदर क्लियर हो तो फिर वो आपको आगे की चीज़ें बता देंगे कि किस तरीके से होंगी, कैसे होंगी, ठीक है। तो बस एम कैट के बारे में इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।